अलैकुम जी। नील फरी जाना है बुजुर्गो। हाँ जी नहीं, जजाक अल्लाह, चाय बहुत शुक्रिया जी। ठीक है नीचे को, ठीक है। हाँ जी पुल आएगा, ठीक है। हाँ जी ठीक है, ठीक है। आलम शुमाली, ठीक है। लेफ्ट ही जाना है हर जगह से, ठीक है। फिर आगे आलम शुमाली आएगा, बाजार आएगा, वहाँ से पूछना, वहाँ से लेके अंदर जाना। कितनी दूर है यहाँ से? कोई नहीं, आपको बाइक पे तकरीबन आधा पौना घंटा घंटा का लग जाएगा। पॉइंट अच्छा है। हाइट कितनी की है? हाइट क्या, अभी मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। धुंध है वो जो बादल वाला एरिया है, बिल्कुल जो सामने है ना, ये दरख्तों वाला। हाँ हाँ, इससे आगे जो बादलों वाला एरिया है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बहुत शुक्रिया सर, जजाकल्ला जजाकल्ला। लो जी मान साहब यहाँ से उतर रहे हैं, और मैंने सुना था कश्मीरी लोग इतने ज्यादा मुरब्बत वाले नहीं होते हैं, लेकिन ये तो माशाल्लाह बड़ी मुरब्बत वाले इंसान थे। क्लास नहीं दबाना, ये तो माशाल्लाह बड़ी मुरब्बत वाले थे। पहले उन्होंने हमारे चाय का पूछा है, चाय पानी का पूछने के बाद फिर उन्होंने हमें रास्ता बताया है। उन्होंने कहा कि आप चाय पानी पिए हमारे पास, फिर उन्होंने कहा कि आप मतलब यहाँ से चले जाए। चलो जी इतों तो आप आए हैं। आओगे तो 7 किलोमीटर सात स्पीड में जा रहे हो, 50 मीटर तो मुड़ना। नील फरी के लिए नील फरी कौन सा रखा जाता है? नील फरी यहाँ से चल थे खेल। हाँ वो उस तरफ जाना है। और ये कौन सा पॉइंट है? ये इधर कलसा है ये जी। चढ़ाई बहुत है यार। हाँ कलसा पिंड दस रहे। चलो जी नील फरी का टैग स्टार्ट। उन्हें तिना मोना जी बहुत उपर लै गया। अच्छा तो वो बादलों वाला जो एरिया है ना, वो हमारा नील फरी है, बादलों वाला एरिया। खैर चल मुनी नंगनी चलांगा, देखते हैं राह होगा। मैप हो गया बंद, तो मैप तेरा मैं पान लगा ले छोड़ हूँ। आप नेट बंद हो ना, उसे रोंग टर्न हुई ना, जो रोंग होने कोई रोंग दस के बंद हो गया। बस मैं तेरा मैं बैग पाता वा वीडियो बंद हो गई है। मैं जुतियां मारनी सुबह तुम ठा मैं टाइम सवा सात नहीं कच्चा पतले पक्का फुल पक्का बनया इन्ना कि एक टोटा कच्चा आ भी गया तो फर्क नहीं पड़ता है। स्लाइडिंग नहीं हुई पत्थर आई है स्लाइडिंग ना मार ब्रेक ना मार ना मार ओ जान दे यार।